एक्सेस फॉर्मेशन एम्फीबियंस का ये दूसरा लेक्चर है। उन्होंने प्रीवियस लेक्चर में स्पीमैंस एक्सपेरिमेंट देखा था और आज हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट के अगले हिस्से को देख रहे हैं। अब लोग हम लोग एक ब्लास्टुला को या अर्ली गैस्टुला बोलें उसको थोड़ा सा अलग अलग एरिया में बांट रहे हैं। ये एक्चुअली स्पीमैंस एक्सपेरिमेंट ही है लेकिन हम लोग थोड़ा उसको ऐसे करके सीखते हैं। ठीक है, बढ़िया। और ये इसके कुछ एरिया डिवाइड किए जा रहे हैं। मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूं अलग अलग, तो समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, ये सब और भी थोड़ा सा ऐसे ठीक है, इसको भी से रंग दिया गया। ठीक है, अलग अलग एरिया को अलग अलग तरीके से। हो गया, अब इस इन एरिया का लेवलिंग करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एनिमल कैप सेल, एनिमल कैप सेल्स। ये एनिमल कैप सेल्स, कैप मतलब ऊपर का हिस्सा हो गया, और चूंकि इसी हिस्से में इसका न्यूक्लियस मौजूद रहता है। जब डेवलपमेंट होता है तो कैसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉग में, जिधर न्यूक्लियस है उसको हम लोग एनिमल पोल कहते हैं, ठीक है ना। और जिधर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये योक है, जिधर योक रहता है उसे हम लोग वेजिटल पोल कहते हैं। उसी तरह से इधर चूंकि एनिमल सेल्स हैं तो बड़ा एनिमल कैप सेल्स कह दिया। इस एरिया से भविष्य में एक्टोडर्मल सेल्स जो है डेवलप करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म। दूसरा जो एरिया है इस बीच के एरिया, इसको हम लोग मार्जिनल या फिर इक्विटोरियल सेल्स कहते हैं, इक्विटोरियल सेल्स कहते हैं। इस एरिया से भविष्य में मेसोडर्म निकलेगा, ठीक है। और जो नीचे का एरिया है उसे हम लोग वेजिटल सेल्स कहते हैं, और इस एरिया से भविष्य में एंडोडर्म निकलेगा, सबसे अंतिम लेयर। ये तीन जर्मिनल लेयर्स होते हैं। इसका अगर एक एक्सिस को भी दिखाना हो तो यहां से ऐसे दिखा रहे हैं एक्सिस। ये जो एरिया है, ये एरिया भविष्य में वेंट्रल बनेगा, वेंट्रल का मतलब पेट का हिस्सा, और ये एरिया भविष्य में पीठ का हिस्सा बनेगा, दैट इज कॉल्ड डोर्सल। आप हमेशा देखते हैं डोर्सल वेंट्रल लिखते हैं तो पेट पीठ बोलते हैं, ताकि हम अपने पेट को टच करेंगे तो ये इधर वेंट्रल हो गया, पीठ को फील करेंगे दैट इज कॉल्ड डोर्सल, ऐसे समझ में। ये अलग अलग टाइप में उसको बांटा गया कि भाई इस प्रकार से ये डेवलप करेगा, ठीक है। तो एक ऐसे फ्रेगमेंटेशन किया गया। दूसरा, इसी स्ट्रक्चर को एक और तरीके से भी समझने की कोशिश की, वो भी देखते हैं। ये सारा कैसे कैसे किया गया उसको भी हम लोग देखते हैं। हमें तो ये सीखना है ना, कैसा ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, उस हिस्से को हमें सीखना है कि ऐसा कैसे हो गया कि अब देखिए ये हम रंग रहे हैं, यहां सेल्स तो नहीं बांटे हैं लेकिन इसको ऐसे करके रंग दे रहे हैं, ठीक है। ये रंग गया, इस रंगे में भी कुछ और भी रीजंस डेवलप कर रहे हैं। ये आप देखिए रेड डॉट मैंने कर दिया, ऊपर जैसा है वैसे ही
उसको रहने दिया, या मेरा मन करा थोड़ा सा उसको और एक नजर डार्क कर दें। और कुछ रेड डॉट्स हम यहां डाल दें। अब इसका जब एक्सिस ओरिएंटेशन हो रहा है तो फिर से समझ में बात आ जानी चाहिए, इधर वेंट्रल एक्सिस है, इधर डोर्सल एक्सिस है, ये रीजनैलिटी को शो कर रहा है। यहां हम लोग अलग अलग, ठीक है, इस रीजन को बोला गया ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर शब्द वैसे ही होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजर किसको कहते हैं? जो किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, मान लो कुछ बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजर। ठीक है भाई, ये हो गया ऑर्गेनाइजर वाली बात हो गई। यहां से एक तीर से हम कुछ सिंबल दिखा रहे हैं। इस एरिया से जो सूचनाएं हैं वह ऑर्गेनाइजर में जा रही, ये जो सूचनाएं जा रही हैं इनको लोगों ने कहा डोर्सल मेजो डर्म इंड्यूसिंग सेंटर। इसे कहा गया डोर्सल मेजो डर्म इंड्यूसिंग सेंटर। ये सिग्नल्स जो हैं वो डोर्सल मेजो डर्म इंड्यूसिंग सेंटर ग्रुप। बढ़िया, ये जो रेड डॉटेड एरिया दिख रहा है ब्राउन बेस पर, इसे हम लोग बोल रहे हैं निवेकुप सेंटर। इसकी चर्चा हमने प्रीवियस जब चिक का एम्ब्रियो दिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, वहां मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि वेट करिएगा, वहां इसकी चर्चा होगी। और ये जो एरिया है जो ऐसे डॉटेड है, यहां से भी कुछ इंडक्शन दिखा रहे हैं। देखिए तीर तीर क्या बता रहा है कि यहां से सूचना है। इस एरिया को बोला जा रहा है मेजोडर्म इंड्यूसिंग सेंटर। इससे बोला जा रहा है कि ये जो है ना मेजोडर्म को इंड्यूस करता है। हर चीज अपने अपने डेफिनेशन से ही जाना जा रहा है। अब तो हमें इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइजर किसे कहते हैं, क्या काम है, डोर्सल मेजोडर्म इंड्यूसिंग सेंटर क्या होता है, क्या काम है, निवेकुइप सेंटर क्या काम करता है, मेजोडर्म इंड्यूसिंग सेंटर क्या काम करता है, और क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। स्पीमैन और उनके जितने भी साइंटिस्ट थे साथ में, इन सब ने बड़े काम करके बताइए कि भाई देखिए ऑर्गेनाइजर जो है ना वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। ऑर्गेनाइजर फॉर्म्स एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ऑर्गेनाइजर जो है वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। साफ साफ बात क्या हो गई कि जिधर ऑर्गेनाइजर होगा उधर डॉर्सल होगा। ठीक है, जिधर ऑर्गेनाइजर होगा उधर डॉर्सल होगा, मतलब ये तय होगा कि जिस साइड मान लो कि एक सेल है, यहां ऑर्गेनाइजर है, ये साइड क्या हो जाएगा डॉर्सल। नहीं, यहां नहीं है, यहां है, ये साइड क्या हो जाएगा डॉर्सल। मतलब जिस साइड ये जाएगा वो साइड डॉर्सलाइज्ड कहलाएगा। ये जो ऑर्गेनाइजर होता है, ऑर्गेनाइजर एरिया है, ये ऑर्गेनाइजर एरिया दो महत्वपूर्ण हिस्सों को बनाता है, दो महत्वपूर्ण हिस्सों से बना होता है, कंस्टिट्यूटेड ऑफ। कौन कौन सी चीजें जिनसे कंस्टिट्यूट करता है? डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप एंड सेकेंड नोटोकॉर्ड। इन दोनों से अब डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप की तरह दिखना, होंठ की तरह दिखना। अब प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने अर्ली ब्लास्टला गैस्टला बनाया था तो ऐसे करके दिखाया था, मतलब ये लिप की तरह, होंठ की तरह, ऊपर नीचे का होंठ, उसी को बोला था। चूंकि ये डोर्सल साइड में होता है उसे हम लोग डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं। और नोटोकॉर्ड इन दोनों से मिलकर ये बना रहता है। डोर्सल ब्लास्टोपियर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजर और डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप का कॉन्सेप्ट,
इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बार जिसने बताया था उनका नाम था पीटर निवेकू, पीटर न्यूकू। इन्होंने 1963 से लेकर 77 ईस्वी के बीच में ये एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में दुनिया को बताया। इसीलिए लोग इसे इस एरिया को सामान्यतः कहते हैं न्यूवेकूप सेंटर। आप देखते होंगे न्यूवेकूप सेंटर, तो सम्मान में, नाम के सम्मान में दिया गया कि भाई न्यूवेकूप सेंटर। और इन्होंने क्या कहा कि जो वेजिटल सेल्स हैं वो एंडोडर्म, प्रिजम्प्टिव एंडोडर्म को डेवलप करता है। जो मार्जिनल सेल्स हैं वो प्रिजम्प्टिव मेजोडर्म को डेवलप करता है। जो एनिमल कैप सेल्स हैं वो प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म को डेवलप करता है। तो जो सबसे डोर्सल एरिया के जो सेल्स हैं वे न्यूवेकूप सेंटर ग्रुप में जानते हैं। ये न्यूवेकूप का कॉन्सेप्ट था। और ये न्यूवेकूप सेंटर जो होता है वह बेसिकली डोर्सल ब्लास्टोपोड लीफ और नोटोकॉर्ड वाले प्रिजम्प्टिव नोटोकॉर्ड, प्रिजम्प्टिव छोड़ दिए, मतलब भविष्य में जो क्या बन जाएगा नोटोकॉर्ड, प्रिजम्प्टिव नोटोकॉर्ड एरिया से मिलकर बना होता है। न्यूवेकूप सेंटर के बारे में न्यूवेकूप ने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने पहला केस कुछ केस में स्टडी करके बताया कि देखो ये जो है ना, ये आपके एक ब्लास्टुला है, इसमें एनिमल कैप सेल है, इक्वेटोरियल सेल्स है और वेस्टल सेल्स है। मैं इसको थोड़ा ऐसे हल्का कलर कर देता हूं। बढ़िया, और ये मैं ऐसे कलर कर दे रहा हूं, तीन कलर हो गया, एक तो व्हाइट ही हो जाएगा, ऐसे कलर हो गया। इनको उन्होंने क्या कहा भाई कि ये एनिमल कैप सेल है, एनिमल कैप सेल ACC, एनिमल कैप सेल्स एरिया, करेक्ट। ये जो है वो इक्वेटोरियल सेल्स है ACE, और ये है वेजिटल कैप सेल्स, वेजिटल कैप सेल्स। बढ़िया, बोला क्या कि भाई ऐसा करते हैं, इसमें से एनिमल कैप सेल्स जो है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, आउट, उसको हम लोग, ये ठीक, इसको हम लोग बाहर निकाल दिए। हमने किसको कर दिया, इक्वेटोरियल सेल्स को हमने हटा दिया, काट कर हटा दिया। अब जब काट कर हमने हटा दिया तो बचा क्या, बचा दो ही प्रकार का सेल, एक एनिमल कैप सेल और दूसरा वेजिटल कैप सेल। वेजिटल कैप सेल को हम लोगों ने ग्रे कलर से कर दिया है। बोला देखते हैं इससे क्या बनता है। जब उन्होंने चेक किया तो देखा कि इससे एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल बने बट नो मेजोडर्मल, कोई मेजोडर्मल पार्ट जो है ना वो नहीं बना। इसका मतलब कभी ये कहना चाहते हैं कि बीच का जो हिस्सा है वो मेजोडर्मल है। तो पहला एक्सपेरिमेंट था ब्लास्टोला, ये तो देना पड़ेगा ना, ब्लास्टोला पहला एक्सपेरिमेंट किया था। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे दिमाग बात आ गई कि हाँ भाई बात सही। अब केस टू में उन्होंने ये पिकअप किया कि अब एनिमल कैप सेल एंड वेजिटल कैप सेल्स को साथ रखें, दोनों को साथ रख देते हैं। भाई रख देते हैं, हमारा क्या है, देखो ये हो गया एनिमल कैप सेल, बढ़िया, और ये हो गया वेजिटल कैप सेल। वेजिटल कैप सेल को थोड़ा रंग भी देते हैं, हो गया
क्रिस्टल कैप्सूल्स। अभी दोनों का आपस में रख दिया, रखने के बाद क्या देखा लोगों ने, एक्टो मेजो एंडो फॉर्म्ड, तीनों तरह के बड़ा बड़ा है भाई। मेजोडर्म कहां से आ गया, जब ये दोनों अलग अलग हो रहा था मेजोडर्म तो नहीं बन रहा था, अब यहां पर कहां से आ गया भाई। लोगों ने कहा कि ये दोनों जो अभी दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, मोजाइक डेवलपमेंट, मोजाइक डेवलपमेंट, मोजाइक स्पेसिफिकेशन होता है, हम लोग कहते हैं ये मोजाइक दिख रहा है बाबा। लेकिन जब दोनों को सटा दिए तो इसने क्या किया, इंडक्शन किया, और इंडक्शन करके उन्होंने क्या किया, इस एरिया में उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, मेजोडर्म को, और रिजल्ट हुआ तो ये जो कंडीशन ये किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव, रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन या डेवलपमेंट। तो जब साथ रख दिया तो उसने बना दिया मेजोडर्म को, और जब वो अलग कर दिए तो उसने नहीं बनाया। यहां जो डायग्राम है पहला एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, मेजोडर्म इंड्यूसिंग सेंटर, ये किस एरिया में, तो वेस्टल एरिया में है। जैसे ये एरिया ऊपर सटा बना दिया इसने, इसको क्या मतलब है, इसने फटाफट बना के रख दिया कि लो भैया हम बना दे रहे हैं, तुम्हारा बीच का भी हिस्सा जो लूज किया हो बना लो। तो अब क्या है, ये हम लोगों ने तो ऐसे बांट दिया था इसको तीन हिस्से में, ये एनिमल कैप सेल हो गया, ये वेजिटल कैप सेल हो गया, ये इक्वेटोरियल सेल हो गया। कोई एतराज नहीं भाई, इक्वेटोरियल सेल वाले हिस्से को हम थोड़ा सा से रंग भी दें, ठीक है। देखिए हमने इसको रंग भी कर दिया। अब ये जो एरिया है ये भविष्य में क्या बनना है, वेंट्रल, और ये एरिया क्या बनना है, डॉर्सल। अब हमारे सोच को किस आधार पर बांटना है, डॉर्सल वेंट्रल का आधार, बढ़िया। साइंटिस्ट ने एसपी मैंस और उनके सहयोगियों ने क्या किया, इन हिस्सों को भी उन्होंने तीन टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे काम होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटोरियल सेल्स जो है इसको तीन हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा ये जो है ये वेंट्रल साइड पर है, तो इसका नाम पड़ा वेंट्रल मेजोडर्म। ये भविष्य में क्या बनाएगा, वेंट्रल मेजोडर्म। ये एरिया डोर्सल साइड में है, तो इसका नाम पड़ा डोर्सल मेजोडर्म, बढ़िया। और ये जो एरिया है ये बीच में है, इसका नाम पड़ा इंटरमीडिएट मेजोडर्म, इंटरमीडिएट मेजोडर्म। उन्होंने कहा कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जो एक्सप्लेनेटरी सिस्टम है, उसमें हमने ये पूरा का पूरा जो इक्वेटोरियल सेल्स एरिया था वो किसके लिए था, प्रिज्मटिव मेजोडर्म था, प्रिज्मटिव मेजोडर्म। हम लोगों ने प्रिज्मटिव मेजोडर्म को भी बांट दिया कि जो वेंट्रल साइड में होगा वेंट्रल मेजोडर्म, बीच में रहा इंटरमीडिएट मेजोडर्म, और जो नीचे है तो डोर्सल मेजोडर्म। ठीक है भाई, अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अगला अगेन कर डाला। कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, ये डायग्राम से तो समझ में आया होगा, और ये हो गया मेटोसिस, अब देखो सब लोग ये जो एरिया है ना, ये एरिया आप देखें वेजिटल कैप सेल्स का एरिया है, ठीक है ना, ये है वेजिटल कैप सेल्स एरिया, और बीच वाला जो एरिया आप देख रहे हैं जैसे आप इक्वेटोरियल सेल्स एरिया मान लें, ऊपर वाले को हम लोग थोड़ा सा अलग कलर कर रहे हैं, तो इसको रेड कलर से इस बार कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चटक रंग रहेगा तो
आंख में भी चमकेगा, ये हो गया एनिमल कैप्सूल। चलिए ठीक है भाई। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर वेजिटल कैप्सूल्स या वेजिटल सेल्स जो है, इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये वेजिटल सेल्स है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया। ये वेजिटल सेल्स, इनका हम नंबरिंग करते रहे, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर, चार सेल्स हो रहे हैं। अब हम लोग एनिमल सेल्स को उठा रहे हैं और देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एनिमल कैप्सूल। ठीक है, रेड कलर से रंगना भी है, रेड कलर से रंग दिया। ऐसा हमको तीन जगह बनाना है, चार जगह बनाना है ना, चार जगह इसको रंग दे रहे हैं। ये चारों जगह जो है ना वो एनिमल कैप्सूल बना रहे हैं, एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन चार। ठीक है, हम समय बचाने के लिए एक ही साथ छोटा बड़ा करके जैसे भी था चार से ले। ये चारों जो है वो एनिमल कैप्सूल्स है, करेक्ट, ये एनिमल कैप्सूल है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नीचे हम लोग किसको प्लेस कर रहे हैं, इसके नीचे हम लोग प्लेस कर रहे हैं पहले वेजिटल सेल फोर को, वेजिटल सेल फोर, यहां पहले वन को, फिर टू को, फिर थ्री को और फिर फोर को। ठीक है, और इसको हम लोग कलर किससे कर रहे हैं, ब्राउन वाले से पहला, दूसरा। जब तक विद्यार्थी इसको बनाएगा नहीं खुद हाथों से ना, तब तक वो इसको अच्छे से समझ ले इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए थम कर इसको बनाएंगे, यस वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। लोगों ने क्या देखा कि जो वन वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें डोर्सल मेजोडर्म, इंटरमीडिएट मेजोडर्म, मेजोडर्म और वेंट्रल मेजोडर्म, क्या इसका स्टेटस रहा है? देखा लोगों ने कि जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें 77% जो था वो डोर्सल मेजोडर्म बना, 23% जो था वो वेंट्रल इंटरमीडिएट बना, और वेंट्रल मेजोडर्म कुछ नहीं बना। ठीक है भाई, सेकेंड वाला जो था उसका प्रॉपर्टी था कि सिर्फ 11% ही डोर्सल बना, 61% इंटरमीडिएट बना, जबकि 28% वेंट्रल बना। तीसरा, थर्ड, ये थर्ड, इसमें लोगों ने देखा कि सिर्फ 5% ही डोर्सल बना, 45% इंटरमीडिएट और 50% वेंट्रल बना। और लास्ट में देखा लोगों ने चौथा में 16% ही डोर्सल बना, बाकी 42% ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ऐसे करके लोगों ने देखा कि वन जो है, वन डोर्सल सब बना रहा है, डोर्सल देखें तो चारों बना रहा है, कम या ज्यादा लेकिन चारों बना रहा है। लेकिन वेंट्रल जो है ना, वेंट्रल पहले वाले कंडीशन नहीं वाला, पहले वाला कहाँ है, यहां पर। इसका मतलब है ये पूरी पूरा डोर्सलाइज्ड है, यहां वेंट्रल फेंट्रल के लिए कोई सिग्नल नहीं है। जबकि चौथे वाले को देखें, ये डोर्सल कम, वेंट्रल और इंटरमीडिएट इसके मेजोडर्म को फॉर्म ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब इसी को हम ऐसे बांट दें, एक दो तीन चार, तो ये जो है ना, ये इसको भी सिग्नल दे रहा है, सिंबल इसको भी दे रहा है, पावरफुल दे रहा है, इसको थोड़ा सा दे रहा है, इन दोनों को बराबर बराबर दे रहा है। वन जो है वो इसको पूरा दे रहा है डोर्सल मेजोडर्म को, थोड़ा सा बीच वाले को दे रहा है और ऊपर वाले को कुछ नहीं दे रहा है। टू जो है वो थोड़ा ही दे रहा है इसको, लेकिन इनको खूब दे रहा है, ढेर सारा, जहां हम डार्क कर दे रहे हैं उसको भी दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये सिंबल भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है इन चीजों को।
ये जेनोपस के एम्ब्रियो में, जेनोपस एम्ब्रियो में इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है, एक्सपेरिमेंट को।